न्याय पैसे वाले को ही मिलेगा, अन्याय हर गरीब को झेलना ही पड़ेगा, सुख सुविधाएं पैसे वालों को ही मिलेंगी, गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, व्यवस्था में उनका कोई स्थान होगा नहीं, तो बहुत शांति है मन में, कुछ करना ही नहीं। तो अपने को यूरोप के हिसाब से बदल लीजिए, और जो आप ये माने कि भारतीय व्यवस्था के अनुकूल चलाना हो, तो भारत में तो पता है क्या है, भारत में यह है कि आत्मा सभी में है, वो मनुष्य हो या मनुष्येतर। चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। और हमारी मान्यता है आत्मा सबकी समान है, किसी की बड़ी और छोटी नहीं है। जब आत्मा सबकी समान है और सब में आत्मा है, तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके यहाँ आत्मा ही नहीं है स्त्री में, तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे, वो अपनी व्यवस्था बनाएं, चलाएं, उसमें खुश रहें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने यहाँ लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं, और फिर ये कल्पना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा, ये अपने को धोखा देना है। जो भी सरकार आती है, अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशिश करती है, अंत में क्या होता है, कुछ सुधरता नहीं।